Assalamu alaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a numerical of 3.12. As you know guys, in previous class we have completed 10 numerical of this chapter and now we are going to start this class with a numerical of 3.12. So 3.10 तक हमने last class में solve कर लिया था, 3.11 इस वजह से start नहीं करेंगे क्योंकि 3.11 आप लोगों ने खुद solve करना है. 3.12 से हम start करने जा रहे हैं. 3.11 में लिख लिएगा अगर same as 3.12. 3.11 और 3.12 बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं न्यूमेरिकल. ठीक है, आपने जो है वो 3.11 बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना होगा जिस तरह से हम 3.12 यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो 3.12 जो है स्टार्ट करने से पहले मैं 3.11 का क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को सिमिलैरिटी दोनों में नज़र आ जाए कि 3.11 और 3.12 में सिमिलैरिटी एक्चुअली है क्या. ठीक है, तो 3.11 की अगर हम बात करें तो बेटा 3.11 ज़रा देखें क्या कह रहा है. 3.11 में कह रहा है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स. एक लड़के ने बॉल जो है वो थ्रो की है. ठीक है, बॉय ने जो है बॉल थ्रो की है कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स की वेलोसिटी से. फिर आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल. मतलब उसने जो बॉल थ्रो की और कैच किया तो थ्रोइंग और कैचिंग के बिटवीन जो टोटल टाइम है, फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, टोटल टाइम आपने यहाँ पे क्या करना होगा, फाइंड करना होगा. 3.11 की बात कर रहे हैं. अब 3.12 देखिएगा, 3.12 में बिल्कुल उसी तरह की वर्डिंग, बस बॉल की जगह स्टोन. अब वहाँ पे क्या कह रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स. अब स्टोन को थ्रो किया कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स की वेलोसिटी से थ्रो किया. स्टोन मूव करते हुए जा रहा है, फिर उसमें आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन. स्टोन कितनी हाइट पे गया, चलें इसको अभी रहने दें, स्टोन कितनी हाइट पे गया है फाइंड करके बताने, इस पार्ट को भी रहने दें. आगे का कह रहा है, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, स्टोन मूव करते हुए ऊपर गया फिर वापस मूव करते हुए नीचे आया, तो ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, स्टोन को थ्रो किया वापस मूव करते हुए नीचे आया, तो टोटल टाइम यहाँ पे आपने क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा. तो ये कंडीशन 3.12 की और 3.11 की देखें तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में जो है वो बिल्कुल सेम है, वैल्यू भी सेम है. ऊपर 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स, 3.12 में भी 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दोनों की वेलोसिटी सेम है. बस 3.12 में एक एडिशनल चीज़ उसने बोल दी, हाइट कैलकुलेट करो. ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम 3.12 में एक्स्ट्रा चीज़ हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें, मतलब टाइम कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 3.12 में, यही काम 3.11 में करना है, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है बॉल का, थ्रो उसने जब की और फिर उसने कैच किया, टोटल टाइम बॉल का भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो वेलोसिटीज दोनों की सेम है, वैल्यू तो देखें दोनों का आंसर भी सेम आ रहे होंगे, 4 सेकंड. ठीक है, 3.11 3.12 में, तो इस वजह से 3.12 मैं करवा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर हाइट भी कैलकुलेट करनी है. 3.11 आप लोग 3.12 की प्रैक्टिस करके 3.11 आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे और आई होप आप लोग कर लेंगे. ठीक है बेटे, तो 3.12 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, चलते हैं ज़रा देखें. मैंने तो वैसे यहाँ पे सॉल्व कर लिए क्वेश्चन और जो है वो आपके पास सॉल्यूशन है, लेकिन किस तरह से हुए हैं देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम की. तो डायग्राम आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि भाई एक स्टोन है. 3.12 में क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल देखिएगा, पेज नंबर 45 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ज़रा देखें क्या कह रहे हैं कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स. एक स्टोन को थ्रो किया कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स की वेलोसिटी से. फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन. स्टोन कितनी हाइट तक मूव करते ऊपर गया है, कितनी हाइट उसने कवर की है, वो आपने हाइट कैलकुलेट करनी है. तो कह रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, स्टोन मूव करते ऊपर गया फिर वापस मूव करते हुए नीचे आया, तो आपने टोटल टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 20 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स. ठीक है, और बेटा अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो. तो अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब वीएफ की वैल्यू आप देख सकते हैं अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग जीरो, क्योंकि कंडीशन में पढ़ा था ना कि जब बॉडी मूव करते ऊपर जा रही होती है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, और अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. ठीक है, मैंने बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट मीन्स दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब बोल रहा था यहाँ पे कि भाई मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो और उसके बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब स्टोन जिस पॉइंट से थ्रो किया वापस उस पॉइंट में मूव करते हुए आया, तो टोटल टाइम यहाँ पे आपने क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा. अब टोटल टाइम अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए अपवर्ड मोशन का टाइम, इसको आपने T1 का नाम दे दिया, डाउनवर्ड मोशन के टाइम को क्या नाम दे दिया बेटा, T2 का नाम दे दिया. तो अब यहाँ पे टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला कि टोटल टाइम यहाँ पे कैपिटल T के बराबर है. टोटल टाइम कैलकुलेट करना है तो टोटल टाइम कैपिटल T के बराबर है. ठीक है,
और टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बना लिया, टी वन प्लस टी टू। टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला बना लिया है यहाँ पे कि टी वन प्लस टी टू, कि टी वन और टी टू को ऐड कराएंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, मतलब अपवर्ड मोशन का टाइम टी वन, डाउनवर्ड मोशन का टाइम टी टू, दोनों को ऐड करा देंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा, मतलब टोटल टाइम यहाँ पे टी वन टी टू दोनों को ऐड करा के आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि भाई ये तो होगी डायग्राम आपने समझ ली। ठीक है, अब हम चलते हैं डाटा की तरफ। डाटा में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज़ आपके पास गिवन है, आपने देखा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी आपके पास 20, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख ली 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। फाइनल वेलोसिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो थी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। फिर आप देख सकते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, -10। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ गई, -10 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो गई नेगेटिव। ठीक है, 9.8 लें 10 लें एक ही बात है, लेकिन हम कैलकुलेशन जो है वो आसान रखने के लिए हम 10 ले रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, अपवर्ड मोशन का टाइम टी वन कैलकुलेट करना है, डाउनवर्ड मोशन का टाइम टी टू कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को ऐड कराएंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन का टाइम तो टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, हाइट कैलकुलेट करनी है कि जो स्टोन है कितनी हाइट तक ऊपर मूव करते हुए गया, उसने हाइट कितनी कवर की है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है वो आपको जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है बेटा, टी वन आपने यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है, टी वन आपने फाइंड करना है, तो आपने लिख दिया फॉर टी वन अपवर्ड मोशन का टाइम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टी वन इक्वल्स टू वर्समा। टी वन के लिए आपने जो है वो इक्वेजन ऑफ मोशन यूज़ की, कौन सी इक्वेजन ऑफ मोशन यूज़ की बेटे, आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेजन ऑफ मोशन यूज़ की, फर्स्ट इक्वेजन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, ज़रा देखिएगा बेटा, वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू आपने पुट की, वी एफ की वैल्यू फॉर्मूले में जो है वो डाटा में क्या है जीरो, वी एफ की जगह क्या आ जाएगा जीरो। फिर आप देख सकते हैं वी आई क्या है, वी आई की वैल्यू यहाँ पे 20, वी आई की जगह 20 आ गया। फिर प्लस का साइन एज इट इज, जी की जगह देख सकते हैं जी की वैल्यू क्या बेटा -10, तो जी की जगह आ गया -10। और टी जो है वो क्या है आपके पास टी वन, टी वन कैलकुलेट करना है, तो टी को आपने यहाँ पे टी वन से रिप्रेजेंट कर दिया, टी वन कैलकुलेट करना है। देखिएगा बेटा, प्लस माइनस ब्रैकेट अगर ओपन करें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो 10 को टी वन से मल्टीप्लाई किया 10 टी वन, ये हो गया -10 इंटू टी वन। फिर -10 इंटू टी वन दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा +10 इंटू टी वन, ठीक है, तो -10 इंटू टी वन इधर आ गया, जीरो की तरफ, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो -10 इंटू टी वन इधर आ गया, तो +10 इंटू टी वन हो गया, राइट साइड पे क्या रह गया सिर्फ 20। फिर देख रहे हैं कि 10 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, जब 10 को दूसरी तरफ लाके डिवाइड किया तो 20/10 दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो 10 वन्स और 10 टूज, तो दोनों को डिवाइड करके आंसर क्या आ गया आपके पास 2 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड मोशन का टाइम आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि अपवर्ड मोशन का टाइम यहाँ पे आपके पास आ गया 2 सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन के टाइम, मतलब T2 की। जब T2 की बात करेंगे तो T2 के लिए बताते ये हैं, T2 के लिए बताते ये हैं कि बेटा देखिएगा कंडीशन क्या है कि स्टोन जिस पॉइंट से मूव करते ऊपर जा रहा है उसी पॉइंट पर मूव करते वो वापस आ रहा है, तो इसका मतलब उसने ऊपर जाते हुए जितनी हाइट कवर की उसी हाइट से मूव करते हुए नीचे आया, मतलब ऊपर जाते हुए जितना टाइम लगेगा जब डिस्टेंस सेम है मतलब हाइट सेम है तो ऊपर जाते हुए जितना टाइम लगेगा उसी पॉइंट पे क्योंकि वापस आ रहा है इस वजह से नीचे आते हुए भी सेम टाइम लगेगा। जिस पॉइंट से मूव करते ऊपर जा रहे उसी पॉइंट में मूव करते वापस आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर जाते हुए जो टाइम लगेगा वही नीचे आते हुए टाइम लगेगा, तो इसी वजह से बताते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अपवर्ड मोशन का टाइम और डाउनवर्ड मोशन का टाइम मतलब T1 और T2 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बेटे, T1 और T2 दोनों एक दूसरे के जब बराबर होंगे तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्डिंग, तो फॉर T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा वर्डिंग, ठीक है, T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर लिखिएगा यहाँ पे वर्डिंग, क्या लिखनी है वर्डिंग मैं लिखवा रहा हूँ वो ज़रा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें, फॉर T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसके बाद वर्डिंग लिख लीजिएगा, वी नो दैट, ठीक है, ये अभी नहीं लिखना T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये अभी नहीं लिखना, ठीक है, इससे पहले वर्डिंग लिखिएगा, वी नो डेट द टाइम टेकिंग, वी नो डेट द टाइम टेकिंग ऑफ अपवर्ड मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम टेकिंग ऑफ डाउनवर्ड मोशन, वी नो डेट द टाइम टेकिंग ऑफ अपवर्ड मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम टेकिंग ऑफ डाउनवर्ड मोशन, देयरफॉर वी कैन राइट एज, फिर लिखिएगा
नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर वी कैन राइट इसके बाद नेक्स्ट लाइन में T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 2 सेकेंड, के अपवर्ड मोशन का टाइम और डाउनवर्ड मोशन का टाइम दोनों बराबर है और दोनों किसके बराबर है बेटा 2 सेकेंड के। तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 2 सेकेंड, इसका मतलब आपने T2 भी यहाँ पे फाइंड कर लिया 2 सेकेंड ही है कंडीशन के अकॉर्डिंग, अलग से कैलकुलेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। फिर टोटल टाइम कैलकुलेट करना था कि भाई इस पॉइंट से स्टोन मूव करते ऊपर गया वापस इस पॉइंट पे आया, तो उसने टोटल टाइम जो कैलकुलेट किया ठीक है, मतलब टोटल जो उसने पूरी हाइट कवर की उसमें टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए, टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोला कि भाई अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के टाइम को ऐड कर दें, तो T1 और T2 को ऐड करा देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखें T1 आपके पास 2 सेकंड और इत्तेफाक है कि T2 भी यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 सेकंड है, दोनों को जब ऐड कराएंगे तो T1 और T2 दोनों को ऐड कराने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 सेकंड। तो टोटल टाइम यहाँ पे आपके पास आ गया 4 सेकंड। जब टोटल टाइम आ गया यहाँ पे आपके पास 4 सेकंड, तो आपने एक चीज़ कैलकुलेट कर ली कि भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे T1 और T2 के बाद टोटल टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाइट ठीक है। टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाइट ठीक है। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा देखिएगा बेटा, हाइट कैलकुलेट करनी थी कि स्टोन कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे इसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया, कितना ऊपर मूव करते हुए गया, इसने कितनी हाइट कवर की है ऊपर जाते हुए, हाइट कैलकुलेट करना है। अच्छा बेटा जो हाइट इसने कवर की है ना वो अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग ठीक है, स्टोन मूव करते हुए ऊपर गया तो इसने ऊपर जाते हुए अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग हाइट कवर की है, इस वजह से हाइट कैलकुलेट करने के लिए अपवर्ड मोशन का डाटा यूज़ करेंगे, टोटल टाइम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अपवर्ड मोशन का डाटा यूज़ करेंगे क्योंकि हाइट कवर हुई है सिर्फ अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग ठीक है। हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, हाइट कैलकुलेट होगी सिर्फ अपवर्ड मोशन के डाटा के अकॉर्डिंग ठीक है, हाइट कैलकुलेट होगी सिर्फ अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग। तो बेटा अपवर्ड मोशन का जो टाइम है उसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ था, अपवर्ड मोशन का जो टाइम है वो क्या है T1, तो अपवर्ड मोशन का टाइम T1 है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं फॉर्मूले में भी T की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया T1, T की जगह जहाँ जहाँ T आ रहा था दो जगह T आ रहा है, दोनों की जगह मैंने T1 उसको कर दिया। अब H हाइट कैलकुलेट करनी है, H एज इट इज़ रहेगा, VI की जगह VI की वैल्यू आ जाएगी 20, T1 की जगह T1 आपके पास आ जाएगा, T1 क्या है बेटा 2 सेकंड, टोटल टाइम नहीं लेंगे, टोटल टाइम 4 सेकंड नहीं लेंगे, सिर्फ T1 लेंगे क्योंकि हाइट सिर्फ ऊपर जाते हुए कवर हुई है ठीक है। T1 की जगह आ जाएगा 2, 1/2 बेटा एज इट इज रहेगा, जी की जगह फिर आ जाएगा 10, और जी की जगह क्या आएगा बेटा अपवर्ड मोशन का डाटा है ना, तो जी की जगह आ जाएगा -10 सही है। और उसके बाद T1 T की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 और 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 40 ठीक है। फिर यहाँ पे कैंसिलेशन देखिएगा 2 1s are 2 5s are 10 कैंसिल किया तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस माइनस माइनस एज इट इज, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ठीक है बेटे। तो अब इनको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 20, और 40 को जब 20 से माइनस किया आंसर क्या आ गया आपके पास 20 मीटर। तो हाइट आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली 20 मीटर, यहाँ तक आके ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अच्छा न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब हम इसकी बात करेंगे रिजल्ट की। दो चीज़ें यहाँ पे आपने फाइंड करनी थी, एक टोटल टाइम वो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, टोटल टाइम क्या आ रहा है 4 सेकंड, और मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, स्टोन कितनी हाइट पे, कितनी हाइट इसने कवर की ऊपर जाते हुए, इसने 20 मीटर की हाइट कवर की है ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी को अगर 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स की वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो ऊपर जाते हुए हाइट कितनी कवर करेगी, अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग हाइट कितनी कवर करेगी 20 मीटर, उसके बाद वो मूव करते हुए नीचे आ जाएगी ठीक है बेटे। तो दो चीज़ें टोटल टाइम और हाइट आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हम बात करेंगे इनके रिजल्ट की। तो रिजल्ट क्या हिंट डालना है आपने, रिजल्ट क्या हिंट डालनी है, और रिजल्ट क्या हिंट डालने के बाद दो रिजल्ट आपने यहाँ पे लिखने हैं ठीक है, दो रिजल्ट लिखने हैं। पहले रिजल्ट में आपने जो है वो टाइम लिख दें जो कैलकुलेट किया है टोटल टाइम, और फिर उसके बाद सेकंड रिजल्ट में हाइट लिख दें कि हाइट कितनी कैलकुलेट की है, या पहले आप चाहें तो हाइट का रिजल्ट लिख लें फिर टाइम का ठीक है। तो जो चीज़ पहले कैलकुलेट की उसके बारे में लिख लें, क्योंकि रिजल्ट और डायग्राम मैंने आपको बताया था ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होती है, इसके कोई मार्क्स नहीं है सही है, ये आपकी प्रेजेंटेशन में काउंट होती है। रिजल्ट में पहला रिजल्ट हमने टाइम कैलकुलेट किया था, तो टाइम के बारे में लिख देंगे, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 4 सेकेंड, कि स्टोन का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है
ठीक है, वो कितनी है, वो कितना है बेटा टोटल टाइम, 4 सेकेंड, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। उसके बाद पार्ट बी में हाइट आपने कैलकुलेट की, तो हाइट के बारे में लिख लेंगे, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन इज 20 मीटर, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन इज 20 मीटर, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन इज 20 मीटर, इज 20 मीटर। ठीक है बेटे, अच्छा बेटा, तो उसके बाद यहाँ तक आके ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। जिस तरह से 3.12 हमने किया, बिल्कुल 3.11 भी आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना होगा। 3.11 देखिएगा यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे स्टोन की जगह बना देंगे आप बॉल, क्योंकि वो जो बॉय जो है वो बॉल थ्रो कर रहा है, बॉल मूव करते ऊपर जाएगी फिर मूव करते हुए नीचे आएगी, ठीक है। और जो है उसके अंदर आपने सिर्फ टोटल टाइम कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, तो कह रहे हैं कि टाइम जो है वो थ्रो करते हुए और कैच करते हुए जो टाइम लगा, तो टोटल टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 4 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं 3.11 में जो टोटल जो आंसर आ रहा होगा 4 सेकेंड आ रहा होगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल सिमिलर वैल्यू है 3.12 की, क्योंकि 3.12 का भी आप देखें आंसर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ तक आगे 3.11 कंप्लीट हो जाएगा। ये हाइट का पार्ट एक्स्ट्रा था 3.12 में जो हमने सॉल्व किया, तो 3.12 कंप्लीट हो गया, 3.11 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर विच इज 3.13। तो 3.13 जरा देख लीजिएगा बुक में कि 3.13 में क्या कह रहा है। 3.13 में कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, कि एक स्टोन है उसको 40 मीटर की हाइट से जो है वो क्या कर रहा है, ड्रॉप की है, 40 मीटर की हाइट से मूव करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई भी है कि एक 40 मीटर की हाइट यहाँ पे बना ली, सपोज कर ली एक बिल्डिंग है, तो 40 मीटर इसकी हाइट है, स्टोन वहाँ से मूव करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। पार्ट ए में कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, उसको नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये टोटल टाइम आपने मतलब नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये डाउनवर्ड मोशन का टाइम कैलकुलेट करना है। और पार्ट बी में कह रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो स्टोन ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, वो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी यहाँ पे आपने क्या करनी है, फाइंड करके बतानी है कि कितनी वेलोसिटी से वो स्टोन ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। अच्छा बेटा, चलते हैं ज़रा न्यूमेरिकल की डायग्राम की तरफ। न्यूमेरिकल की दो पार्ट आपके पास गिवेन है, आपको समझ में आ गया कि जो आपने फाइंड करना है, एक नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा बेटा, याद रखिएगा कि जब भी डाउनवर्ड मोशन है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि डाउनवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, जिस तरह से अपवर्ड मोशन की फाइनल जीरो होती है, इसी तरह से डाउनवर्ड मोशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। फिर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 10, 9.8 ने 10 ले की बात है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। पार्ट ए में क्या बोल रहा था, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, और पार्ट बी में क्या बोल रहा था कि कितनी वेलोसिटी से स्टोन नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द स्टोन यहाँ पे आपने फाइंड करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलते हैं डाटा की तरफ, पहले डाटा देखते हैं, डाटा में क्या करते हैं, डाटा में वो चीज़ें सबसे पहले लिखते हैं जो गिवन होती हैं, उसके बाद जो है फिर हम जो है वो फाइंड जो चीज़ें फाइंड करनी है वो लिखेंगे। तो पार्ट आप ज़रा देख सकते हैं, पार्ट वन में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए जीरो। फिर आप देख सकते हैं आपके पास हाइट गिवन है 40 मीटर, हाइट के लिए 40 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंडीशन के अकॉर्डिंग पता होती है, डाउनवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसी तरह पार्ट ए में टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम लिख दिया, और पार्ट बी में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो VF इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है, कि फाइनल वेलोसिटी और टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने टाइम कैलकुलेट करना है, तो लिख देंगे टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर ए, पार्ट ए में फॉर टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क टाइम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसके अंदर यहाँ पे ये क्यों कैलकुलेट की, ताकि टाइम इजीली कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अगर ये देखें VF इक्वल्स टू VI प्लस GT, इसके अंदर VF आ रहा है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, तो फर्स्ट और सेकंड दो ही यूज कर सकते हैं टाइम के लिए, तो इस वजह से सेकंड यूज करें क्योंकि फर्स्ट से टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा बेटा, देख लीजिएगा कि H इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसके अंदर यहाँ पे फिर आपने H की जगह H की वैल्यू, हाइट यहाँ पे आपके पास कितनी है 40, H की जगह H की वैल्यू, VI की जगह VI की वैल्यू, VI के कंडीशन के अकॉर्डिंग 0, VI की जगह आ जाएगा 0, और टाइम कैलकुलेट करना है तो T एज इट इज रहेगा,
प्लस का साइन एज इट इज 1/2 एज इट इज, जी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 10, और टी फाइंड करना है टी स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको कैंसिल कर दिया, 2 1s are 2 2 1s are 2 और 2 5s are 10, ठीक है बेटे। तो 0 को t से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 0, ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे 2 1s are 2 5s are 10 क्या बच गया 5, और ये t square as it is, ठीक है बेटा। तो ये वाला स्टेप ज़रा देखिएगा, ठीक है, ये स्टेप देखिएगा कि 40 as it is और 0 को t से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 0, ठीक है, और ये देखें 2 1s are 2 5s are 10, तो 5 as it is रहेगा, और t square यहाँ पे जो 2 1s are 2 5s are 10 5 जो बचा था वो as it is आ गया, और टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये स्टेप आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप 40 एज इट इज रहा बेटा, तो 0 को अगर 5t स्क्वायर में ऐड करा दें तो 5t स्क्वायर ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, t चाहिए था ना आपको, तो 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें मल्टीप्लाई t से दूसरी तरफ भेज के क्या करेंगे डिवाइड, तो ये 5 जो है वो 40 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 जो है वो 40 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 40/5 = t स्क्वायर, तो इक्वेशन को पलट के लिख देंगे कि t² = 40/5, ठीक है। इक्वेशन को आपने पलट के लिख दिया कि भाई 5 मल्टीप्लाई होता है नीचे आके डिवाइड होगा, तो 40/5 = t² लिखना था, तो t स्क्वायर को पहले लिख दिया, 40/5 को बाद में, फिर आपने क्या करा इसको कैंसिलेशन यहाँ पे कर ली कि 5 1s are 5 8s are 40, तो t स्क्वायर का आंसर आपके पास आ गया। आप देख सकते हैं t स्क्वायर का आंसर आ गया यहाँ पे आपके पास, कि t स्क्वायर का आंसर आ गया आपके पास 8, ठीक है। तो t स्क्वायर ये स्टेप मैं यहां पे लिख देता हूं, आप जरा देख लीजिएगा कि टी स्क्वायर यहां पे कैंसिलेशन के बाद टी स्क्वायर का आंसर आ रहा था 8, ठीक है, तो टी स्क्वायर का आंसर आ रहा था 8, आपको चाहिए टी, तो टी चाहिए तो आपने क्या करा दोनों तरफ आपने रूट अप्लाई कर दिया, क्योंकि टी स्क्वायर नहीं चाहिए आपको, टी चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पर आपने रूट अप्लाई कर दिया। आप चाहे तो इसके नीचे वर्डिंग लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और उसके बाद ये स्टेप आ गया। जब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे आपने देखें रूट अप्लाई किया, टी स्क्वायर पे भी रूट आ गया और 8 पे भी। यहाँ पे देखें स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कैंसिल, जब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद टी आ गया, और कैलकुलेटर से 8 का रूट कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से 8 का रूट कैलकुलेट किया और आंसर आ गया 2.828 समथिंग आंसर आ रहा था। हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करके वैल्यू ले ली 2.83, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डाउनवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग कि जब स्टोन मूव करते हुए नीचे आ रहा है तो नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा, नीचे आते हुए इतना टाइम लगेगा 2.83। अगर किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर 40 मीटर की हाइट से थ्रो करेंगे, मतलब 40 मीटर की हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो जब वो बॉडी मूव करते हुए नीचे आएगी तो टाइम कितना लगेगा 2.83 सेकेंड। अब कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा वो स्टोन या वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर 40 मीटर की हाइट से उसको थ्रो करेंगे तो नीचे कितनी वेलोसिटी से आगे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की, vf = vi + gd, vf एज इट इज, vi की जगह vi की वैल्यू आ जाएगी, vi की वैल्यू क्या है बेटा 0, vi की जगह आ जाएगा 0, ठीक है, और प्लस का साइन एज इट इज, जी की जगह जी की वैल्यू आ जाएगी 10, जी की जगह आ जाएगा 10, और टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है तो टाइम की वैल्यू 2.83, इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि 10 को 2.83 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 28.3, ठीक है, टाइम क्या आ गया आपके पास 28.3 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यहाँ तक आके आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली 28.3 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, 10 को 2.83 से मल्टीप्लाई करके 28.3 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का यूनिट आपने यूज़ किया, और यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी मतलब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आ गई, जो पार्ट बी में बोल रहा था कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द स्टोन फाइंड करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 मीटर की हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो नीचे आते हुए टाइम कितना लगेगा, नीचे आने में टाइम लगेगा 2.83 सेकेंड, और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा वो 28.3 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स के वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। यहाँ तक आके 3.13 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, एंड में लिखेंगे रिजल्ट। अब रिजल्ट इसका आप लोग खुद लिखेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को रिजल्ट लिखना आना चाहिए कि किस तरह से हम रिजल्ट लिखते हुए आए हैं, ठीक है। आपने जो है, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है, अपनी वर्डिंग में रिजल्ट लिख लेना है कि पहले टाइम आपने कैलकुलेट किया कि भाई कि टाइम किस तरह से यहाँ पे आपने अच्छा कैलकुलेट कर लिए
और आपने बस किस तरह से टाइम का रिजल्ट लिखना है, आप या तो बुक की वर्डिंग लिख सकते हैं कि भाई बुक की वर्डिंग में क्या कह रहा था, उसको आप यूज़ करके लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने पार्ट बी में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कैलकुलेट की, उसका रिजल्ट आप चाहें तो इस बुक की वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बुक में कह रहा था कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो आप लिख सकते हैं द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज दिस, कितनी है 28.3 मीटर इनटू सेकंड इनवर्स, या ये लिख लें या अपनी वर्डिंग लिख लें द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज दिस। तो रिजल्ट अब आप लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है, और रिजल्ट लिखने की प्रैक्टिस अब आपको खुद से करनी है। तो इसका रिजल्ट आपने खुद लिखना है, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप खुद लिख सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने 12 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, 13 भी कर लिया, तो 12 के रिजल्ट लिख लिए, मैंने आप लोगों को लिखना सिखा दिए, अब ये रिजल्ट आप लोग खुद लिखने होंगे। अब आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, रिजल्ट हर न्यूमेरिकल का मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग जो है वो आप खुद लिखना शुरू करें रिजल्ट, ठीक है बेटे। बस यहाँ तक आके चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूं, उसमें आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी आपने डेफिनेशंस जो करनी ही हैं, वेलोसिटी उसकी टाइप्स की, एक्सेलेरेशन उसकी टाइप्स की, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, इसी तरह एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी का जो टॉपिक डिस्कस किया क्या, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो पढ़नी है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। तो आपने जो है वो यहाँ तक आके चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी, तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।